बिहार सहित देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आधी रात के बाद से लागू हो गए हैं। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है, जिसको लेकर हम सभी पुलिस विभाग तत्पर हैं। साथ ही सभी पुलिसों को संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानून को सख्ती से पालन कराया जाए। आप देखिए, आज मध्य रात्रि से जो 3 नए आपराधिक कानून वो पूरे देश में लागू हुए हैं और इसी संदर्भ में पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रखकर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया, जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है जहाँ पे घटनास्थल किसी और जिले में पड़ता है और आप किसी और जिले में, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। भागलपुर IIIT के छात्र और अत्यधिक प्रतिभावान बन पाएंगे। इसके लिए IIIT भागलपुर और जापान की कंपनी ह्यूमन एसोसिया के साथ MOU साइन किया गया। इसको लेकर जब IIIT के कुल सचिव डॉक्टर गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस MOU साइन से यहाँ के छात्र जापान की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, इसके साथ ही विदेशों में काम करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जापान की टेक्नोलॉजी सीखने के बाद इसके पैकेज में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जापान की कंपनी ने भागलपुर IIIT के छात्रों के प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने रुचि दिखाई है। जापान से 5 सदस्य टीम भागलपुर पहुंचकर IIIT के साथ है MOU साइन किया। वही IIIT के द्वारा उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। ह्यूमन रिसोर्सिया के साथ एक जापानीज कंपनी है, उनके साथ हमारा MOU साइन किया गया है। पर्पस अभी है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगा और ये जब लड़के प्लेस हो जाएंगे तो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड वीज़ा असिस्टेंस और हाउसिंग असिस्टेंस, सो स्टूडेंट डोंट गेट एनी प्रॉब्लम व्हेन दे गो अब्रॉड। सर, क्या बेनिफिट मिलने वाला है दो संस्थान को? निश्चय ही एक अच्छा प्लेसमेंट लड़कों को मिलेगा एंड दे विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लड़कों को काम करने का अपॉर्चुनिटी यहीं से मिलेगा इंस्टीट्यूट से, तो ये एक अच्छी शुरुआत है एंड वी आर श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। In the future, maybe next 3 years, 5 years, and we are hiring more and more students from your university, then I will try to bring your university student to Japan, then that student will be change the world and making some innovations in the future. भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र स्थित पासी टोला के पास प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे नशा मुक्ति केंद्र के लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के गोलपारा के रहने वाले अमरेश कुमार के रूप में हुआ है।
वहीं इसकी सूचना मिलते ही अमृता की पत्नी खुशी कुमारी और उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और घंटों बवाल काटा। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मेरे पति के साथ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने पहले बेरहमी से मारपीट की है, तब जाकर उनकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हुई है। मेरे पति की मौत का कारण नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं सदर अस्पताल अपने पति को ढूंढने गई तो काफी ढूंढने के बाद वो मिले। इसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। साथ ही जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां से डॉक्टर और नर्स सभी नदारद हो चुके थे। मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत ज्यादा उनका हालत खराब रहता था। बेहोश हो जाते थे। दो तीन बार तो वो होटल से उठा के लाए, कभी लखनपुर बगल बस्ते से उठा के लाए। जिस दिन हम यहाँ भर्ती करवाए ना, उस दिन भी उनके नाक से खून इतना ज्यादा पिए हुए थे, फिर भी बहुत पास के किसी तरह खाना पीना खिला के हम इनको आप द्वार पे छोड़ के गए हैं। हम घर में लाए हैं, मेरी बच्ची है गवाह में। 25 तारीख को नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ पार्टी कराया। आप झूठ बोले, झूठ बोले कि लखनपुर में उल्टी नहीं हुआ। लखनपुर में भयंकर उल्टी किया है। कैसे मौत हुआ? बोलिए, कैसे मौत हुआ? पीरपति थाना क्षेत्र के हुजूर गंगा गांव के मिल्टन चौधरी के घर अपने चार पुत्रों के साथ भोज खाने गया अफजलपुर सनोखर के मांगन मंडल पुलिस को चेन्नई में मिला। मां कौशल्या देवी ने 26 जून को हुजूर नगर के मिल्टन चौधरी सहित अन्य पर अपने पुत्र को मारपीट कर गायब कर देने का मामला दर्ज कराया था। वहीं थाना अध्यक्ष ने गायब मांगन मंडल को ढूंढने का काफी प्रयास किया। तकनीकी अनुसंधान में पुलिस को ज्ञात हुआ कि मांगन मंडल ट्रेन से चेन्नई जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान से संपर्क करने के उपरांत मांगन को चेन्नई रेलवे स्टेशन से बरामद किया। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह चेन्नई कमाने के लिए अपने घर से बिना किसी को बताए चला आया था, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। पुलिस ने कांड में अनुसंधान व मांगन के सकुशल बरामदगी में केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के योगदान की सराहना की। क्योंकि दिनांक 22/6/2024 को पीरपति थाना कांड संख्या 330/24 दर्ज हुआ। इसके दर्ज कारण कौशल्या देवी पति पेचर मंडल अफजलपुर थाना सनोखर जिला भागलपुर का कहना था कि हमारे बेटा को रवि कुमार, सुधिया देवी एवं अन्य लोग अपने साथ बेटे बंगाल लाए हैं और यहाँ से इनको मारने के नियत से, जान मारने के नियत से उसको हत्या करके फेंक दिए हैं। परंतु अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि वह लड़का जो मनन कुमार मंडल है, वह हुजूरनगर पीरपति आया, लेकिन यहाँ से खाना वाना खाने के बाद यहाँ से चला गया लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन पर और वहाँ से वो चेन्नई का ट्रेन पकड़ के सीधा चेन्नई की तरफ जाने लगा जी। फिर बीच रास्ते में वो अपने माँ से कनेक्शन जोड़ा। तीसरे दिन तो हम लोग को एक नंबर प्राप्त हुआ और उस नंबर को हम लोग ट्रैक किए तो केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के संस्थापक श्री विष्णु खेतान के भी सहयोग लिए हम लोग और उनके सहयोग से हम लोग उसको चेन्नई में बरामद किए।